आज त्रेता युग में मेरा छोटा भाई था ना लक्ष्मण, इस द्वापर में वो बड़ा भाई बलराम बन के आएगा। मां से अंश संकर्षण अरे बलदाऊ के नाम से आवेंगे हम पहुंचे यशोदा नंद भवन नई नई लीला रचवाए। शक्ति मेरी माया ओ राधा नाम से आई एक आएगी आएगी कौन महाराज का जो आदि शक्ति मेरी माया ओ राधा नाम से आएगी ब्रज धाम का नाम बढ़ाएगी अरे ब्रज भान का नाम देवताओं बहुत सुंदर बाघ गंधर्व गण बोलो यज्ञ भगवान की भैया ऐसी आकाशवाणी की भगवान ने और तुम गिर में गुफाओं में कंदराओं में जहां भी छिप सको छिपो मेरे आने की प्रतीक्षा करो जब मैं देवकी के गर्भ से आठवें पुत्र के रूप में उतार लूंगा। ऐसी आकाशवाणी की देवता चले गए। अब यहाँ कथा नया मोड़ लेती है सुनो माताओ। उग्रसेन राजा राज करता था, इसका एक पुत्र था कंस। इसने उग्रसेन को गद्दी से हटा के जेल में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। इसकी दो भाई थे उग्रसेन और देवक। तो देवक की पुत्री का नाम देवकी था। इन्होंने यहाँ सूरसेन देश के सूरसेन राजा के लड़के कहते या सूरसेन यदपत के अरे बस देव थे अत प्यारे देवकी इनको ब्याह दई अरे नौ बाद बजे नृप के द्वारा वसुदेव भवन को गमन किया तब कंस ने इनका मान किया। बहुत धनवान था कंस, दो सज्जवान लड़कियां दहेज में दे दी। इतना तो सोना दिया कई छकड़ों भरवा के। बहुत चाहता था बहन को, रथ में घोड़ों की लगाम पकड़ के बहन को बहुत दूर तक पहुंचाने जाता है। छोटी बहन थी ना कंस की देव। और कहता सुनो बस देव, यदि तुमने उंगली उठाई कभी मेरी बहन तरफ तो मैं उंगली कटवा लूंगा, आंख दिखाई तो आंख निकलवा लूंगा। बावनगढ़ छत्तीसपुरी में कंस जैसा कौन हो, कोई भी धनवान नहीं था, बहुत धनी था। फिर भैया रथवान बना, फिर कंस बना रथवान पहन के अरे रथ के असो हाँकता था। अरे बहनी की सेवा में अपने अरे नैनों से नीर जा रहा था। बताओ कंस इतना रोया देवकी की साड़ी भी गई। देवकी इतनी रोई बताओ
कि कंस का पीतांबर बीन गया। भैया भाई बहन का ऐसा प्रेम होता है, जानते हो भावर में भाई धान क्यों बोता है? भावरों में भाई धान क्यों बोता है? धान बोने का मतलब ये हुआ, धान बोई तो कहीं जाती है, लेकिन जब सियानी हो जाती है तो लगाई कहीं जाती है। ऐसे ही भाई धान बोता है कि बहना तू बोई तो यहाँ गई, अब जब सियानी हो गई तो लगाई कहीं जा रही है। आज कंस रोता है, अरे बेटी चली पराए दे, बोलो यज्ञ भगवान की, अरे बेटी चली पराए दे, बेटी चली पराए दे, बेटी चली, ओ पंख लगा के उड़ चली, पंख लगा के उड़ चली, धर चिड़िया का भेस, बेटी चली पराए दे, बेटी चली पराए दे, बेटी चली पराए। खुशी से जा रहा था कंस, रथवान बनाता खुशी से जा रहा था, विदा हो रही थी, इतने में आकाश से अस्यातम अष्टमो गर्भा हंताये पैसे बोधा इत्युक्ता सा खला पापो भोजानाम कुलपांसना भगिनी हंतु आरभ्या खड़ग पाणी कचगिरी। इतने में आकाश से अपाणी हुई विशाल कि अष्टम सुत दिव की का हो ये कंस का आकाशवाणी हुई कि देवकी का आठवां लाल तेरा काल होगा, काल होगा। बदल गया भैया पर्दा, कंस ने तलवार फेंक दी, एकदम कंस ने घोड़ों की लगाम में छोड़ दी और पकड़ के द्यूकी के बाद रथ के नीचे फेंक दिया, तलवार अड़ा दी। देख हाल बस देव जी अभिनय करत कर जोर, अब कुछ भी है मेरे बचन कि सुनिए नृपत किशोर। बसदेव जी ने भैया, अरे कंस भैया, भैया पति के सामने पत्नी मर जाए तो धिक्कार ऐसी पति को, क्यों बचा नहीं सका? बसदेव जी ने सोचा ये मार देगा तो धिक्कार है मुझे, तो बसदेव जी ने तलवार पकड़ ली। अरे ओ भैया कंस, अरे भैया संतोष संतोष, मारेगा बहन को तो पाप लगेगा, पाप लगेगा तुम मारेगा तो, जो पात के काया ते होई बिन भोगे छूटे नहीं सोई, काहू न को सके दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सब भ्रात। भैया इसे मत मार। देखो माता, घर में एक समझदार होता है तो चाहे पूरा घर मूरख होए, घर कंट्रोल में हो जाता, नहीं हो जाता।
या तो घर में सब तीन प्रकार से घर बर्बाद होता है। बस देव जी तो बड़े समझदार थे, या तो घर में कोई मालिक ना होए मर सा वो घर बर्बाद, या घर में सब मालिक हुए वो घर, या घर में नालायक औरत मालकिन हुए सो घर। घर में चाहे थोड़ी एक बात बताएं आपको, बोलो योग्य भगवान के जय। बस तो भैया घर में चाहे सबरे मुंह रखो पर एक समझदार होना जरूरी है, नहीं है बता बस। तब पूरा घर कंट्रोल में बना रहता, एक मास्टर साहब थे, मास्टर साहब बोलो यज्ञ भगवान, उन्हीं की तो कथा था, उन्हीं को नाम ले लिया। हे भगवान दक्षिणा में अंतर न पड़ जाए, यो तकलीफ आओ। सुनो एक बात बताएं तुम्हें, एक मास्टर साहब थे, विचार की बात बताएं, आवाज कम कम बस बस। तो वो बहुत समझदार थे मास्टर साहब, और तो घर में इतने नहीं थे, कोई ध्यान से सुनना समझदारी की बात। और नई नई शादी हुई थी मास्टर साहब की, नई नई शादी, तो भैया उस बहू ने पूरे घर के कंट्रोल में कर लिया। तो बहू बड़ी खराब थी, बड़ी पाखंड नाडंबर ढोंगे, लेकिन मास्टर साहब बहुत समझदार थे, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे, पढ़ाते थे। तो एक दिन बहू ने सोची देखो तो मैंने नंद के और इस देवर के मास्टर के पूरे घर के कंट्रोल में कर लो, भाई बुढ़िया के नहीं कर पा रहे सास के, कैसे सास के यदि बहू ने अपने बस में कर लो तो जो समझ लो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवता बस में हो गए। बड़ा मुश्किल है बुढ़ियन के बस में करना, कुछ कुछ बहू है तो मर जाते इनके मारे बुढ़ियन के मारे। ऐसा नहीं कि जालोन जावे 10 रुपया की लिया में वह दवाई दे दी बुढ़िया, समझ लियो कौन इतनी बहू है। तो भैया बहू ने ऐसा करना नहीं डर, तो बहू ने सोचा ये सास को कैसे बस में करूं। तो एक दिन बहू का काली भरी आई मर साहब, काली खप्पर वाली, तोरो बचन न जाए खाली छू, काली भरी आई आ वाला जला। माता जी आ गई यानी मार साहब की मेहता आई, पूरो मोहल्ला जोरिया गांव भर का, चलो भैया मार साहब की घरवाली काली भरी काली, सब पहुंच गए। और हे मेहताई ने जाके पांव पर ये सास ने, वो तो जनती काली है, वो तो बदमाश आती ना काली भरी ना भद्रकाली, अपनी सास को दशा करवाने थे। कहा माता पांव पर, माता का गलती होगी, मुश्किल में तो ब्याह बहु लड़का को मास्टर को एक बहू आई है जा, मैं तो खूब प्रसन्न हूं, माता चली जाओ। अब बहू का भाग गया यहां से, मन में कहा दादी अब कैसे पांव पर थे, भाग यहां से। कहा माता जी गलती का हो गई, कहा तेने 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 कहा झाड़ू 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 लगाते समय मेरे स्थान पे हैं, स्थान पे झाड़ू मार दी, मैं तो ही बहू के लेके। भैया किसी प्रकार, बेटा बैठ जाओ, तो बीच में क्या कर रहे हो, बैठो तो कंट्रोल में ना हो ना। जो लोग आ गए मार साहब, उनकी हाय राम हमारे घरे यो का मच, हाँ तो मार साहब गए अंदर, अरे देखो सुमेहताई बोली बेटा बहू के काली भरी। अरे मार साहब बोली माँ, मार साहब उन्हें जाके पांव पर एक वो प्राइमरी के आके, वो कौन बड़ी बात इंटर कॉलेज की, उन्हें की माता कैसे जे हो बताओ। वो बहू बोली हे हे मार साहब, मार साहब बोले बताओ माता, होम ले हो धूप या पंडित जी को बुला दो जाए,
राठ वाले महाराज के से भागवत करा लियो मंदिर में, बताओ तो कैसे जी हो। वो बोली सुन मास्टर, सुन सुन सुन, मैंने मैं एक तरीके से जी हूँ, खाली कैसे जी हो बताओ माता। सुन सुन सुन, अपनी माँ का मूड मुड़वा दे, मुंह काला कर दे, मेरे सामने खड़ी कर दे, मैं चली जाऊंगी। माँ का मूड काला, मुंह करिया कर दे और मुंह के बाहर मुड़वा दे, मैं चली जाऊंगी। मास्टर साहब बहुत समझदार थे। मेहताई बोली बेटा, बोला लिया नाऊ के मुड़ के बाहर मुड़वा दे, कम से कम बच तो जे है बहु। मास्टर बोले कैसी या काली है, मुड़ के बाहर मांगत, हमने तो कभी नहीं सुनो आज तक। हम धूप मांगती है ना, कथा मांगती, पूजा मांगती, मुड़ के बाहर। बहुत समझदार थी मास्टर। अरे वो समझ गए कि अम्मा की ना बहू की तनक लगी रात, दो किलोमीटर ससुराल की जैसे कौन दूंगा। उन्हें मोटरसाइकिल अपनी अम्मा के ताली के अंदर कर दो, बहू ने जानू लिवा लेगे मूड बनवा बार आर बनवा मुंह कर दिया कर दशा कर दे बुढ़िया की। मैं दहंगवा कौन दूरा, अम्मा के बंद कर दिया, खत्म रुक जा नाटक है कुछ ना। अबे पर्दा उठा था, दो किलोमीटर ससुराल थी, कब से पहुंच गए, सास ने पैर छुए, लाला जी कैसे आए। अरे कल कुछ ना को तुम्हारी बिटिया मर रही, कह रही है कि अम्मा के मूड के बाहर मुड़वा लो और मुंह कर दिया करके लाओ, तब मैं जाऊंगी। सास बोली बेटा यह शरीर ही तुम्हारे लाने यहां बनू, यदि मेरी बिटिया मुड़ के पार मुड़वाने में मुंह काले करने में बचती है तो हर्ज क्या है। फौरन नाऊ को बुला के बुढ़िया ने मुंह के बार कर दिया करो, मोय और बार घुटवाए, बैठ मोटरसाइकिल पे गम से आ गई। जैसी देखो अब बहू ने समझ में ना आओ, कैसे मुंह करिया और मुड़ के बाहर मुड़े, सुख समझ में नहीं आओ। बड़ी जोर से हंसी, अरे ए मूरख मास्टर, देख त्रिया की चाले, सिर मुंडा मुंह काले, ना मोह काली चढ़ी ना भद्रकाली, या तो मुई चाल है बुढ़िया की दशा कराने थी, देख त्रिया की चाले, सिर मुंडा मुंह काले। मास्टर साहब बोले नालायक औरत, देख मर्द की फेरी और माँ तेरी है कि मेरी। अच्छी तरह से तू देख कहाँ उठा गए, अम्मा मोरा की तू रात देख तो। मित्रों जो कारज कीजिए, समझे बिना मत कीजिए। भैया बसदेव जी बोले, बसदेव जी कहने लगे मारो मात, जो भी पुत्र होगा मैं दूंगा। कंस बोला ठीक है, तब तक तुम्हें कारागार में रहना पड़ेगा। तो जिन पैरों को हल्दी से पूजन कर चरण पखारे थे, अरे उन पैरों में कड़े लोहे के कड़े कड़े उन डाले। मैं तो जिनके लड़का भगवान, उनके माप में ताई की ज्यादा सा कि जेल में पड़े। और तुम सोचा तो कि हमारे लड़का हमें सुख दे दें, जिनके लड़का भगवान उनके मताई बाप को तो सुख नहीं मिला, हमें तुम्हें कहां से मिल ली। ध्यान करो, सुख तो चाहू ना देओ लेओ नहीं, देने की कोशिश लेना नहीं, क्योंकि कोई तुम्हें देगा ही नहीं, सब लेने के लिए बैठे। आज बोलो यज्ञ भगवान के जय, वृंदावन बिहारी लाल के जय हो।
बोलो यज्ञ भगवान भैया बोलो वृंदावन में हरि लाल की अथम कलम पवित्रम अतकालम उपवर्तये देवकी सर्वदेवता। बसदेव जी ने कहा जो भी पुत्र होगा मैं तुम्हें दूंगा, तब तक कारागार में बंद कर दिया माता। अब सुनो बहुत दिनों के बाद देवकी के पहला बालक हुआ। अगुआ कीर्त मंत्रम प्रथमजम कंसाया नाम दुंदवी, पहला बालक हुआ कीर्तिवान। कौन हुआ? कीर्तिवान नाम था उसका। बस ठीक है कर दिया करो। पहला बालक हुआ कीर्तिवान। सुबैया बसदेव जी ने हाथ में लिया गोद में और ले गए कंस के पास। बालक देखा कंस ने और कहा इसे ले जाओ और शत्रु है ममी आठवा उसे यहाँ दे जाओ। भैया कहा भैया बसदेव जी को बोले बसदेव जी वो कंस बोला ले जाओ बसदेव जी तुम वाकई में सत्यवादी हो ले जाओ। पहले बालक से मुझे कोई खतरा नहीं, खतरा तो आठवां बालक से है। भैया बसदेव जी ले गए लेकिन रास्ता में सोचते जाते हैं कि दुष्ट की प्रीत और बारू की भी। नारद बसदेव जी घर तक नहीं पहुंच पाए, नारद जी आ गए कंस के यहाँ। भूमे भरणम हरणा नाम दैत्या नाम चौबधोत्तम। भैया नारद जी आ गए श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण। अरे नारद जी ने कहा स्वागत किया कंस ने। नारद जी बोले भैया दुखी क्यों हो? कहा कुछ नहीं महाराज, पहला बालक हुआ था वापिस कर दिया। नारद जी ने सोचा यदि ये बच्चों को मारेगा नहीं तो इसका पाप बढ़ेगा नहीं, और सबसे बड़ा पाप क्या है? बाल हत्या कराई जाए, और जितने जल्दी जल्दी ये हत्या करेगा पाप भी बढ़ेगा और भगवान भी जल्दी अवतार लेंगे। उल्टी पढ़ाई पढ़ाने लगे नारद जी। कर आठ रेखाएं खींची, बोल आठवीं कौन है? यहां से गिने तो ये आठवीं और यहां से गिने तो ये आठवीं। नारद जी ने कहा मूर्ख जिस प्रकार कोई भी रेखा आठवीं हो सकती है इसी प्रकार कोई भी पुत्र आठवां हो सकता है। कंस बोला हाँ हमारा सही है। यद्यपि
तदपि कहे मोने अटपट बाणी, तदपि कहे समझ न पर ये बुद्धि घनसानी, समझ न पर बुद्धि घनसानी। नारद जी के कहने पे पहला बालक मंगवा के पत्थर पर प्रछाड़ मार दी। हतेश करेश वाले देवक्य मुग्रिशे निदा सप्तमं वैष्णवं धामं यमनं तं प्रपच्यते। सप्तमं वैष्णवं धामं बड़ा यमनं तं प्रपच्यते। हते खड़ेश बालेश देवक्यं मुग्रसेन। इस प्रकार छे सुते हने कंसासुर भूपाल पहुंचे सातवीं गर्भ में किसे संस तत्काल। मतलब छह बालकों की हत्या कर दी कंस ने, अब सातवीं बार स्वयं शेषनाग पहुंचे मैया के गर्भ में। तो भगवान ने योग माया को बुलाया, एदलपुर वाली माता जिनके आम देवी पुराण नहीं कहा, जहां ये देवी पुराण का है ना, ये सामने वाली बड़ी माता, इन माता को याद किया भगवान नारायण ने। कहा माता तुम्हारा काम है। कहा क्या है बताओ नारायण। गच्छ देवी ब्रजम भद्रई, गच्छ देवी ब्रजम भद्रई गोपी गोपां भी अलंकृतम। देवी तुम ब्रज में जाओ, मेरा जो सातवांश देवकी के यहाँ आज प्रकट होने वाला शेषनाग उसको निकाल के रोहिणी के उदर में प्रविष्ट कर दो। इस बात को कोई न जाने, बाद में तुम ही गोपी बन जाओ, तुम ही ग्वाला बन जाओ और ब्रिज को ऐसा सजाए दो, ऐसा सजाए दो जैसे कोई दुल्हन को सजाता है। पीछे से मैं आ रहा हूं। जाओ मैया देवी माँ दुर्गा भवानी, तुम मेरा इतना काम कर दोगी, लोग तुम्हें धूप दीप से पूजेंगे। क्योंकि अब माया के लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं ना। रामायण में लिखा कि लौने में से मैं भुवन निकाया, लौने में से रचे जा से शासन। करोड़ों ब्रह्मांड रच सकती है, उनके लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं। भगवान ने प्रार्थना की जय 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 गिरी राज किशोरी, जय 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 भैया। चली मैया सुनकर श्री हरि का वचन आदि शक्ति हरि साए, चली गमन करके बिरजे जहां देव की
मां। सातवें अंश को निकाल के रोहिणी के पेट में डाल दिया। माता बंधु इस बात को किसी ने नहीं जाना, सबने यही जाना कि देवकी का सातवां गर्भ फिसल गया। भैया अपने आप बोलो भगवान सही करो, ज्ञान से बढ़ाओ ऐसे बात बोलो। दुर्गा मैया की जय। भैया मैया ने बहुत बड़ा काम किया, बोलो दुर्गा मैया की। जो करोड़ों ब्रह्मांड थोड़ी देर में रच सकती हैं, उनके लिए एक बच्चा यहाँ वहां ट्रांसफर करना का बड़ी भारी बात है, बताओ। कड़कड़ में बसी मेरी माँ, ए कड़कड़ में बसी मेरी माँ, माँ की याद आती है। यमुना में बसी मेरी माँ, गंगा में बसी मेरी माँ, यमुना में बसी मेरी माँ, गंगा में बसी। सरयू में, सरयू में बसी मेरी माँ, पकिया दिया बसी मेरी माँ, हम सब में बसी मेरी माँ, पकिया कड़कड़ में बसी
मेरी माँ मक्किया बचाओ बंधु। बोलो यज्ञ भगवान, आप स्वयं आठवीं बार स्वयं भगवान नारायण माता के गर्भ में आए तो माता का मुंह ऐसे हो गया जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। भैया कोई आंख से आंख नहीं मिला सकता था ना। अब वो तेज था, उस तेज से पूरा शरीर तेजवान हो गया भैया। भगवान जिसका मुझे, अब जिसका आप हम सबको इंतजार है वही भगवान भैया के गर्भ में आ रहे। देखिए अब जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए हम सब ने करा, ओ गणी आ गई आ गई। बोलो यज्ञ भगवान की जय। भैया गर्भे आए, अरे सकल ज्या दिन ते हरि, गर्भे आए अरे सकल लोक सुख संपत्ति छाए, ज्या दिन ते हरि गर्भे आए। जिसके लिए हम सब बेकरा, या दिन ते हरि गर्भे आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। से माता बंधु सकल लोक सुख संपत्ति छाए, ज्या दिन ते हरी
गरीब बंधु मत हो। सभी देवता प्रार्थना करते हैं देवकी के गर्भ की, भगवान अवतार लियो, ब्रह्मा जी और शंकर जी आए देवकी और वसुदेव की प्रार्थना करने। देवकी मैया पैर छूने लगी, भोले बाबा बोल नहीं माता, हमारे भी पिता तुम्हारे पुत्र हैं विष्णु नारायण, उनके हम बालक हैं, जब हमारे बाप की मताई हो तुम तो हमारी माँ तो पहले हो, इसलिए माता हम स्वयं तुम्हारे चरण छूते। तो ब्रह्मा जी शंकर जी ने देवकी मैया के चरण स्पर्श किए, माता तुम्हारा आज व्रत पूर्ण हो गया, शरीर पवित्र हो गया, इंद्रियां पवित्र हो गई, समस्त तुम्हारे अंगों में इंद्रियों में आज भगवान का प्रकाश है, इसलिए आप तुम्हारी समस्त इंद्रियां और कई जन्म के संस्कार और विचार पवित्र हो गए मैया। सत्यम व्रतम सत्य पराति सत्यम सत्तस्य यवनी नहिते जो सत्य सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। भैया प्रार्थना करने लगे देवता। देवकी जानते हो भगवान पैदा हुए देवकी वसुदेव के यहाँ, देवकी जानते हो किसे कहते हैं, जिसकी ब्रह्मचारिणी बुद्धि हो वो देवकी है। दो प्रकार की बुद्धियां होती हैं, विविचारिणी और ब्रह्मचारिणी, जिस माता की ब्रह्मचारिणी यानी सदाचारिणी बुद्धि हो वो देवकी है। और वसुदेव जानते हो किसे कहते हैं, जिस पुरुष के 14 देवता बस में हो वो वसुदेव है। शरीर में कितने देवता रहते हैं, 14 गिनवाएं। मन का देवता चंद्रमा है, बुद्धि का देवता ब्रह्मा है, चित्त का देवता नारायण है, अहंकार का देवता शंकर जी है, नाक का देवता अश्विनी कुमार है, कान का देवता दिक्पाल है, आंख के देवता सूर्य नारायण है, जीभ के देवता वरुण है, त्वचा के देवता वायु है, वाणी के देवता अग्नि है, हाथ का देवता इंद्र है, पैर का देवता वामन है, मूत्र त्याग का देवता प्रजापति है, मल त्याग का यम, ये हो गए 14। ये 14 देवता जिस पुरुष के वश में हो उसका नाम वसुदेव है। तो 14 देवता जिस पुरुष के वश में हो ऐसा हो वसुदेव, और जिसकी सदाचारिणी ब्रह्मचारिणी रत बुद्धि हो ऐसी हो देवकी, जब दोनों का संयोग होगा तो कृष्ण तो पैदा होगा ही, ब्रह्म तो पैदा होगा ही। जब ऐसा पुरुष हो और ऐसी माता हो और जब दोनों का संयोग होगा तो ब्रह्म पैदा होगा, कृष्ण पैदा होगा, कोई साधारण जीव पैदा नहीं होगा। भैया देवता प्रार्थना करते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे ओ मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे ओ मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। ओ श्री कृष्ण बोलो अवतार लो प्रभु अवतार लो। गोविंद हरे ओ मुरारे, ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे ओ मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। We'll be right back.
सारा तुम जननी के गर्भ मजारा हो तुम मेहवास बोलिए ओ नाथ चतुर भुजे अंतर्यामी तुम विराट त्रिभुवन के स्वामी तुम विराट त्रिभुवन सूक्ष्म रूप धरे गर्भे पधारे सूक्ष्म रूप धरे गर्भे पधारे श्री कृष्ण गोविंद हरे हो नारद पार न पावे शारद नारद पार न पावे निगम नीति जह अगम बतावे हो निगम नीति जह अगम ओ तरस को व्याकुल हैं लोग सारे उतार लो प्रभु सब देख रहे हैं भगवान तरफ देखो तरस को व्याकुल हैं लोग सारे श्री कृष्ण गोविंद हरे हो हरे हो भैया सुर समूह विनती करो पे पहुंचे निज निज धाम अरे जगन निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक बेश्राम भैया देखिए एक झांकी बहुत सुंदर बेटी की कन्या देवी रूप होती है कन्या की झांकी सजाई गई है आप सब लोग उसके पैर भी छू सकते हैं फूल भी डाल सकते हैं नमन भी कर सकते हैं वो साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप है बसदेव जी उसे लेंगे और कृष्ण का ही स्वरूप है घूमेंगी जिन्हें फूल डालना है दान दक्षिणा डालना है वो डाल सकते हैं बिहारी जी को प्रदान कर सकते हैं कन्या भगवान का स्वरूप है आप दक्षिणा भी उसमें रख सकते हैं आपका पुण्य होगा धर्म होगा भैया उस समय भगवान के जन्म का समय आ गया माता अतम सर्वम गुणोपेतम कालम परम शोभनम वयो वायु सुख स्पर्श पुण्य गंधाम सुचि अभी बैठ जाइए अभी ना लीजिए उसे भाई ए भैया अभी अभी ना लो अभी नहीं डालो अभी ऐसी चिपकाए रहो शांत करो उसे हम मंगवा लेंगे बाद में ये तो कृष्ण का है तो काली है बिल्कुल बिटिया भद्र काली है कृष्ण का है काली है तो ना ये तो बहुत रोती है अभी देखो अभी वहां बच्चा था ना एक बहुत सुंदर बिटिया कितनी शांत वहां गए थे बिल्कुल शांत
पूरे सभा में नहीं रोई, कबू नहीं रोई, जीवन में नहीं रोई। ए भैया बहुत सुंदर हवा चलने लगी, गंधर्व आकाश से गायन करने लगे। जब हम कहें पुष्पों की वृष्टि होने लगी, तीन प्रकार की वायु चलने लगी, शीतल मंद सुगंध, नदियों का निर्मल नीर हुआ, वृक्षन पर लता सुहाई है। भैया आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, अवतार लो प्रभु अवतार लो। देखो पक्षी चहकने लगे, देखिए पक्षी चहकने लगे भगवान के जन्म में। देखिए आप देखो पक्षी चहकने लगे चारों तरफ से, और आकाश में नगाड़े बजने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। राधे कृष्णा, भगवान के जन्म में कैसे नगाड़े बजते हैं देखिए आकाश से। पावन है भादों का महीना, तिथि अष्टमी थी, मतलब लगन भादों की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र भादों की अष्टमी, अर्धरात्रि, सर्वार्थ योग बब नामकरण बड़े सुंदर अनुकूल ग्रह लिखते हैं। पावन है भादों का महीना, अरे पावन है भादों का महीना, तिथि अष्टमी थी, सारे पहरेदारों को नींद है सताए, श्याम जब आए श्याम जब जब लगत भादों की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, अर्धरात्रि के समय भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। बोलो कृष्ण भगवान की जय। कीर्तन तिहुलोक सुजन में मथुरा धाम, ऐसे श्री गोविंद को
बारंबार प्रणाम। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और हमारा भारत देश धन हो गया। भैया अब इसके बाद देखो सुंदर झांकी आप लोगों के सामने। चलिए मार साहब थोड़ी गोद में ले लो, कथा में लाओ और थोड़ी पांव पखाड़ दो उसको। चलिए आप एक हमने सोहरा गाया था राम जन्म में, एक सोहरा गाएंगे हम कृष्ण जन्म। अरे खुल गए सारे ताले ओ क्या बात हो गई, अरे खुल गए सारे ताले ओ क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करा Yeah.
एक हमारे आर्गन मास्टर और एक हमारे तिवारी जी भगवान के जन्म की खुशी में सोहरा गाएंगे। दो बार नाम ले बस केवल उतना ही। इसके बाद ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीना घोड़ा दीना भर दीना हमारे तिवारी भगवान के जन्म की खुशी में एक गीत भजन सोहरा जो भी उचित जान पड़े वो प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद हमारे आर्गन मास्टर भी एक भजन भगवान के जन्म उत्सव में गाएंगे। प्रसाद का इंतजाम किया जाए, पूजन का इंतजाम किया जाए। बिहारी जी का पूजन करो पहले और फिर इसके बाद। हाँ एक तिवारी लो हेलो सब लोग बैठ जाओ। हम प्रागनाथ तिवारी बोल रहे हैं, आपके बीच में अगर कोनो अपशब्द निकल जाए तो हमें छोटो मान के माफ कर दीजिए। हम अच्छे बोले तो बुरे बोले काय। हमें एक बात बताओ कि 84 लाख योनियों में सब लोग भटक रहे हो, नाच रहे हैं, आज भगवान के जन्म में कोई नहीं नाचा। गलत बोले तो जो है हमें माफ करो। आपके बीच में एक छोटो भजन, एक चुटकुला और एक गीत सुनो बैठो। अरे जब जब होवे धर्म की जहानी, जब जब होवे धर्म की जहानी, बालें असोरे अतमो अपमानी, बालें असोरे अतमो अपमानी। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, उसके उत्सव में अरे आज दिन सोने परे आज दिन सोने की सूरज और सोने की चंदा, सोने की सूरज सोने के दिया ले जगाओ दिन।
सुख चाहो भाई, इसी है तो दुनिया में नर दे। हाँ, सभी भक्तजन आरती करें। ओम चंद्रमा मनस जयदा जय सूर्य वजयद श्रोतद्वायुष प्राण मफदग्नि अजयद। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण कर आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, हे प्रिया, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती।
किया तुम्हें हो भगे बन मेरे बलि बल जाऊं सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं प्रेम में रंगी भक्ति मैं तेरी हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी बलि बल जाऊं सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी हे गोपाल कृष्ण करूं आरती 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 तेरी हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बोलिए बना के दिल मेरा परिवार बना दिया
लूंगी डोर में। उड़ती फिरूं गगन में संग संग चारों ओर रे, कहीं किसने तेरी दयारी ने दी माना हो गई दीवानी। मैं तो भाई
Thank you.